आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। समोसे की चटनी बनी बेस्वाद तो बौखलाए पति ने पत्नी की कर दी हत्या। सात जुआरियों को पुलिस ने दबोचा। बेना से आज बाधित रहेगी जलापूर्ति। आइए देखते हैं खबरें अब विस्तार से। मध्य प्रदेश के दतिया से एक हैरान कर देने वाली वारदात सामने आई है, जहां पति ने केवल इस बात पर अपनी पत्नी को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया कि उसने चटनी अच्छी नहीं बनाई थी। पति की हाईवे पर नाश्ते की दुकान है, जिसके लिए समोसा कचौड़ी की चटनी उसकी पत्नी घर पर ही तैयार करती थी। वही सुबह जब पत्नी ने समोसे की चटनी बनाई तो वह पति को पसंद नहीं आई। इस पर दोनों का झगड़ा हो गया और गुस्साए पति ने पत्नी को मार कर पत्नी की हत्या कर दी। उनके दो बच्चे भी है जो घटना के वक्त दुकान गए हुए थे। दरअसल यह घटना दतिया जिले के घोरागाड़ थाना क्षेत्र के उपराय गांव की है। पुलिस के मुताबिक आनंद गुप्ता नामक आरोपी की गांव के बाहर नेशनल हाईवे पर समोसा कचौड़ी नाश्ते की दुकान है। वह रोजाना समोसा कचौड़ी की चटनी घर पर ही तैयार करवाता था। रविवार की सुबह घर में 39 वर्षीय पत्नी प्रीति ने समोसा कचौड़ी की चटनी तैयार की। जब व्यापारी ने चटनी को चखा तो वह उसे बेस्वाद लगी। चटनी का स्वाद खराब लगने पर आनंद गुस्से में आ गया और अपनी पत्नी से झगड़ने लगा। उसने अपनी पत्नी से चटनी बेस्वाद होने की बात भी कही। उसने कहा कि ऐसे में ग्राहक आना बंद हो जाएंगे। इस दौरान पत्नी ने भी पति को जवाब दे दिया। इस पर आनंद अपना आपा खो बेटा और मारपीट करते हुए उस पर हमला कर उसकी हत्या कर दी। व्यापारी की करीब 16-17 साल पहले शादी हुई थी। पुलिस ने व्यापारी को गिरफ्तार कर लिया है। दूसरी खबर, ओल्ड काउंटी पुलिस थाने की टीम ने पुराने कब्रिस्तान के पास नाले के समीप छाड़ी झुड़पी में रेट मारकर जुआ खेलते सात जुआरियों को दबोचा। पकड़े गए जुआरियों में विक्की राजू, गुद्दलवार पुराना भाईपुरा शास्त्री मंच के पीछे निवासी, सलमान खान वर्द फलित खान पुरानी भाईपुरा शास्त्री मंच के पीछे निवासी, मोहम्मद शाबिर वर्द मोहम्मद जाकिर मांग मोहल्ला जूनी खलासी लाइन निवासी, शेख अकरम वर्द शेख हाजिब बकरा कमेला, इरफान बेग वर्द अहमद बेग बकरा कमेला पुराना कब्रस्तान के पास, विक्की मोहेश महिसा जूनी खलासी लाइन यूसुफ बेग वर्द अहमद बेग बकरा कमेला कब्रस्तान के पास निवासी का समावेश है। जानकारी अनुसार ओल्ड कामटी पुलिस थाने का डीबी पतक पेट्रोलिंग कर रहा था। इस दरमियान खबर मिली कि पुराना कब्रस्तान के पास नाले के समीप झाड़ियों में जुआ चल रहा है। तीसरी खबर, वाड़ी आयुक्त निर्माण अंबाजरी दौलामेटी आदि क्षेत्र का स्वच्छ जलापूर्ति करने वाले महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण द्वारा संचालित वेना जलापूर्ति केंद्र से 4 अगस्त को वेना वितरण मुख्यालय में जलगन्ना मीटर लगाने का कार्य किया जाएगा। इस कारण बुधवार को इस पूरे क्षेत्र में सुबह 9 से रात्रि 9 बजे तक जलापूर्ति नहीं किए जाने की सूचना मजिप्रा के कार्यकारी अभियंता पीडब्ल्यू बुल्डे ने दी है। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखे और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब फिलहाल वक्त आ चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते हैं देश और दुनिया की तमाम कुछ खास खबर। धन्यवाद।